आपको इनकम जो मिलता है वो बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर ही मिलता है। तो बिजनेस वॉल्यूम का हम आसानी से समझ, बुधवार को आपके अकाउंट में इनकम आता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं EMI लाइफस्टाइल के बिजनेस प्लान के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लेना, ताकि ऐसे ही नए वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। देखिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक जानी मानी कंपनी के बारे में, जिसका नाम है माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। देखा जाए तो इंडिया में ये कंपनी बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे रैंक कर रही है, और बहुत सारे लोगों ने इसमें ज्वाइनिंग भी किया है। बहुत सारे लोग ऑलरेडी इस चैनल पर जो है वो ऑलरेडी EMI लाइफस्टाइल में जुड़ चुके हैं। और आज हम जानने वाले हैं EMI लाइफस्टाइल किस तरीके से इनकम देती है, और 10 प्रकार के या 9 प्रकार के कौन से इनकम, कौन से बेनिफिट हमें मिलते हैं अगर हम EMI लाइफस्टाइल को ज्वाइन करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं कंपनी की वेबसाइट के बारे में। तो कंपनी की वेबसाइट है www.emilifestylemarketing.com। अगर आप वेबसाइट पर जाते हैं तो आपको पूरी डिटेल्स जानकारी वेबसाइट पर आपको मिलेंगी। ओनली बिजनेस प्लान नहीं मिलेगा, लेकिन आपको बहुत सारी जानकारी प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पे वेबसाइट पे जाकर मिलती है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, कंपनी के जो 6 ब्रांड है उसमें एलिमेंट्स वेलनेस, ऑन एंड ऑन, न्यू स्टार आहार एंड इंडिया ग्रो, 6 ब्रांड के ऊपर कंपनी काम करती है। साथ में देखा जाए तो एलिमेंट्स वेलनेस ब्रांड एंड ऑन एंड ऑन ब्रांड, ये एक नामांकित ब्रांड है, जिसमें से एलिमेंट्स वेलनेस ब्रांड के कुछ प्रोडक्ट को आयुष प्रीमियम का सर्टिफिकेशन मिल चुका है। साथ में ऑन एंड ऑन में एक अच्छा प्रोडक्ट है जिसका नाम है 95। आगे हम प्रोडक्ट के बारे में आज बात नहीं करने वाले, आज हम ओनली बिजनेस प्लान के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर प्रोडक्ट के बारे में डिटेल जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक क्लिक कीजिए, वहाँ पर जाकर आपको PDF फाइल मिल जाएगा। साथ में आप वेबसाइट में जाकर भी डिटेल्स जानकारी यहाँ पर ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए कंपनी की तरफ से हमें 10 टाइप्स के बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। 10 प्रकार की इनकम आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए 9 टाइप्स के इनकम आपको यहाँ पे मिलते हैं, लेकिन 10 प्रकार के बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलते हैं। आगे चलकर मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से मिलते हैं। सबसे पहले तो आपको इनकम मिलता है रिटेल प्रॉफिट, उसके बाद मिलता है सेल्स टर्नओवर बोनस, उसके बाद मिलता है रैंक इनकम, उसमें मिलता है ओवरराइडिंग बोनस, उसके बाद मिलता है परफॉर्मेंस बोनस, उसके बाद मिलता है स्टार परफॉर्मेंस बोनस, उसके बाद मिलता है लॉयल्टी बोनस, उसके बाद मिलता है रॉयल्टी इनकम, उसके बाद मिलता है NTC बोनस, उसके बाद मिलता है अवार्ड्स एंड रिवार्ड्स। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं किस तरीके से हमें इनकम यहाँ पे मिलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको सबसे पहला प्रॉफिट होता है रिटेल प्रॉफिट। जैसे कि हम प्रोडक्ट परचेस कर लेते हैं, अब सबसे पहले हम प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, परचेस करने पर क्या डिस्काउंट मिलता है, उसके बाद बात करेंगे बिजनेस वॉल्यूम पर। अब देखिए रिटेल प्रॉफिट आपको मिलता है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस एंड MRP का जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं रिटेल प्रॉफिट। मतलब आपको प्रोडक्ट मिलेगा डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में, अगर आप कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हो तो आपको प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में मिलेगा, और आप दे सकते हो सामने वालों को, कस्टमर को, MRP प्राइस में। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है इसको हम कहते हैं रिटेल प्रॉफिट। ये मिलता है आपको 10% से लेकर आपको मिलता है 40%, 10% से लेकर 40% मिल सकता है। उसके बाद प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड है कि कौन सा प्रोडक्ट आप परचेस कर रहे हो, उसके हिसाब से डिस्काउंट जो है वो कैलकुलेट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक कंसेप्ट हम समझ लेते हैं कि बिजनेस प्लान का जो भी इनकम आपको मिलने वाला है वो आपको बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं बिजनेस वॉल्यूम क्या होता है। कौन से भी कंपनी में आप अगर काम करते हो तो बिजनेस प्लान जो होता है वो बिजनेस वॉल्यूम पर डिपेंड होता है, मतलब BV पर मिलता है। अब कौन सी कंपनी में बिजनेस वॉल्यूम PV के ऊपर काउंट किया जाता है, और कौन सी कंपनी में डायरेक्ट यहाँ पे BV काउंट हो जाता है। लेकिन कौन से भी कंपनी में आप कम काम करते हो तो आपको इनकम जो मिलता है वो बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर ही मिलता है। तो बिजनेस वॉल्यूम का हम आसानी से समझ लेते हैं। जब आप 100 रुपीज के प्रोडक्ट परचेस कर लेते हो तो आपको मिलता है यहाँ पे 75 बिजनेस वॉल्यूम, मतलब जितना आप अमाउंट का प्रोडक्ट परचेस करोगे उसका 75% बिजनेस वॉल्यूम आपके ID पर जो हो काउंट हो जाएगा, मतलब उसके पॉइंट आपके ID पर काउंट हो जाएंगे। उसके हिसाब से जो एक इनकम की कैलकुलेशन आगे चलकर बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हम, आपको मिलता है सेल्स टर्नओवर बोनस। यहाँ पे आती है नेटवर्क की बात। अब देखिए, आपने प्रोडक्ट तो परचेस कर लिया, प्रोडक्ट यूज भी कर लिया, आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा, आपने सामने वाले को रिकमेंड किया और आपने उसको बनाया डिस्ट्रीब्यूटर। अब डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के बाद कंपनी आपको सेकंड इनकम देती है जिसको कहा जाता है सेल्स टर्नओवर बोनस, मतलब STB। आपको मिलता है 12%, वो मिलता है आपको मैचिंग के ऊपर, मैचिंग के ऊपर आपको मिलता है। जैसे आप मैचिंग करोगे आपको 12% मिलेगा, और ये मिलता है आपको वीकली,
ये इनकम जो है आपको वीकली मिलेगा। अब ये वीकली कट ऑफ किस तरीके से होता है ये समझ लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सैटरडे से लेकर फ्राइडे तक जो भी बिजनेस करोगे उसका कैलकुलेशन होता है, और बुधवार को आपके अकाउंट में इनकम आता है। बुधवार मतलब वेनसडे को आपके खाते में जो इनकम है वो कैलकुलेशन के हिसाब से आता है। सबसे बड़ी बात, इसका जो वीकली इनकम होता है ये होता है 21 दिन। 21 दिन मतलब क्या कि आपने अगर किसी को इस वीक में ज्वाइन कर लिया तो आपको 2 वीक के बाद अमाउंट आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगा। बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है, सर आपने इनकम तो वीकली बताया लेकिन हमारे खाते में तो इनकम आया ही नहीं। तो इसका जो कट ऑफ होता है, फॉर एग्जांपल मैं वीक नंबर से समझाता हूँ। आपके आईडी पर जब आप लॉग इन करोगे तो आपको वीक नंबर यहाँ पे दिखाया जाएगा। वीक नंबर दिखाया जाएगा मतलब फॉर एग्जांपल आपका अगर वीक नंबर 500 है, वीक नंबर 500 में अगर आपका कोई चेक बना है तो वो आपके खाते में 503 वीक में जमा हो जाएगा। मतलब 3 वीक्स में आपके खाते में जमा हो जाएगा। मतलब अगर 500 नंबर के वीक नंबर में आपका चेक बना है तो आपको ये 503 में आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। तब तक ये आपके आईडी पर आपको विजिबल होता है, अकाउंट में आपके 3रे वीक में आता है। ये एक कंसेप्ट हमने यहाँ पे समझ लिया। उसके बाद जो है लास्ट एक चीज़ आ जाती है यहाँ पे कि वीकली इनकम किस तरीके से मिलता है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर हो यू पोजीशन में। अब ये जो प्लान है ये बाइनरी प्लस जनरेशन प्लान है, तो इसको समझने के लिए हम 2 ऑर्गेनाइजेशन में इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन 1, सबसे उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन 2। अब ऑर्गेनाइजेशन 1 बोल सकते हैं, ब्रांच 1 बोल सकते हैं, ब्रांच 2 बोल सकते हैं, आपके हिसाब से, ठीक है। अगर आप यहाँ पर काम करते हो और आपके ओवर जीवन में अगर अमर ने 10,000 रुपीज के प्रोडक्ट परचेस कर लिए, एक एग्जाम्पल के अनुसार मैं 10,000 अमाउंट ले रहा हूँ, आईडी तो आपकी 5,000 में ही ग्रीन हो जाती है यमा लाइफस्टाइल में। फॉर एग्जांपल आप अगर 5,000 के प्रोडक्ट परचेस कर लेते हो तो आपको मिलता है बिजनेस वैल्यूम 3,750 बिजनेस वैल्यूम। इस पर आपकी आईडी जो है वो ग्रीन हो जाती है। ग्रीन का मतलब इनकम लेने के लिए वो कैपेबल हो जाती है, एलिजिबल हो जाती है। तो ये एक कंसेप्ट आपने समझ लिया, आप 5,000 से भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, अमर ने ओवरजी वन में 10,000 की परचेसिंग कर ली है, और आपका एक दूसरा दोस्त है अकबर, उसने भी आपके ओवरजी टू में 10,000 की परचेसिंग कर ली। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि 10,000 का जो बिजनेस वैल्यूम है वो कितना निकल कर आएगा, 7,500 बिजनेस वैल्यूम निकल कर आएगा। यहाँ पर भी 7,500 बिजनेस वैल्यूम निकल कर आएगा। दोनों का क्या होगा, मैचिंग होगा, प्लस नहीं होगा, मैचिंग होगा। मैचिंग करने के बाद उस हफ्ते में आपके खाते में आ जाएगा 12% के हिसाब से 900 रुपया। अब इसमें क्या होता है, 5% प्रोसेसिंग फीस एंड 5% या 3.7% जो भी आपका TDS है ये आपको काट दिया जाएगा। उसके बाद बचा हुआ अमाउंट आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगा। मतलब एक एवरेज मैं पकड़ता हूँ 800 से 850 रुपये के आसपास, 828 के आसपास आपके खाते में इनकम आना चाहिए। यह कम ज़्यादा हो सकता है, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको लेना हूँ। तो इसमें आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ये बिजनेस वैल्यूम के ऊपर इनकम आ रहा है, आपको बिजनेस वैल्यूम को क्या करना पड़ेगा, मैचिंग करना होगा, उसके बाद आपको इनकम आएगा। अब ये कितना आ सकता है, अगर यहाँ पे हम समझ लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, यहाँ पे 50,000 रुपीज़ का बिजनेस आया, यहाँ पर 50,000 रुपीज़ का बिजनेस आया, तो उसका बिजनेस वैल्यूम कितना निकल कर आएगा, बिजनेस वैल्यूम निकल कर आएगा 37,500 बिजनेस वैल्यूम, यहाँ पर निकल कर आएगा 37,500 बिजनेस वैल्यूम, और उसके ऊपर 12% के हिसाब से 4,500 रुपया आपका सेल्स टर्नओवर बोनस बन जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा किस तरीके से मैचिंग होता है, किस तरीके से इनकम आपके खाते में आता है। अब और एक चीज़ हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ये इनकम कितना आ सकता है, इसको एक कैपिंग रहता है वो कितना रहता है। अब देखिए ब्रांच 1 ब्रांच 2, अब आपका बिजनेस आगे बढ़ता गया। ओवरजी 1 में क्या हुआ, यहाँ पे 1 लाख रुपये का बिजनेस आ गया, यहाँ पर 1 लाख का बिजनेस आ गया, तो 12% के हिसाब से आपको मिलेगा 12,000 रुपया उस वीक में। उसके बाद अगर आगे चलकर 5 लाख का बिजनेस आ गया, यहाँ से 5 लाख का बिजनेस आ गया, तो 12% के हिसाब से आपके खाते में कितना आएगा, यहाँ पे 60,000 आएगा। अब इसमें से भी मैंने आपको बताया पहले ही TDS और प्रोसेसिंग फीस कटती है, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, जैसे यहाँ पे 10 लाख का बिजनेस आता है, 10 लाख का बिजनेस आता है आपके खाते में, 12% के हिसाब से 1,20,000 आता है। उसके बाद जैसे आपका नीचे 17,50,000,
और 17,50,000। बिजनेस वैल्यूम की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये जितना ही बताया मैंने आपको बिजनेस वैल्यूम बताया, ठीक है, ये आप बात समझ में लीजिए, ठीक है। 17,50,000, 17,50,000 जैसे यहाँ पे बिजनेस वैल्यूम काउंट होता है तो आपको मिलता है यहाँ पे 2,10,000 एक हफ्ते का यहाँ पे आपको मिलता है। उसके ऊपर अगर 20 लाख का बिजनेस आ गया उस हफ्ते में और यहाँ से भी 20 लाख का बिजनेस आ गया तो भी आपको 2,10,000 ही मिलेगा। मतलब यहाँ पे कंपनी ने एक लिमिट अमाउंट किया है जिसको हम कैपिंग कहते हैं। 2,10,000 से ऊपर आप वीकली इनकम नहीं ले सकते, कम से कम आप ले सकते हैं 800-900 रुपया, 500 रुपया, और ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं आप 2,10,000 रुपया। तो आई होप ये आपको चीज़ समझ में आई होगी। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक समझाने वाला हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे काम कर लेते हो और आपके ओवर जीवन में क्या हुआ, 1 लाख रुपये का बिजनेस आ गया। अब ये बाइनरी होने की वजह से क्या होता है कि इनकम मैचिंग नहीं होता है, कभी कभी बिजनेस कम ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि क्या है, बाय डिफॉल्ट बिजनेस कम ज़्यादा होने वाला है। कौन से भी कंपनी में अगर आप काम करते हो तो दोनों लेग सेम नहीं चलते, मतलब सही है। तो यहाँ पे देखिए 1 लाख का बिजनेस आ गया और ओवर जी टू में क्या क्या हुआ कि 50,000 का बिजनेस आ गया, तो उस केस में क्या होगा, 50,000 मैचिंग हो जाएगा, कितना मैचिंग हो जाएगा, 50,000 मैच हो जाएगा, और उसके ऊपर आपको 12% के हिसाब से 6,000 रुपये मिलेगा। अब बाकी का 50,000 क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, आपका ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। जब अगले ओवर जो टू में क्या हुआ, यहाँ से 2 लाख का बिजनेस आ गया और इधर से थोड़ा सा 1 लाख का बिजनेस थोड़ा कम आ गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1-1 लाख मैचिंग हो जाएगा, ठीक है। पिछला कितना है कैरी फॉरवर्ड, 50,000, ये प्लस किया जाएगा, मतलब आपका कितना मैच हो जाएगा, 1.5 लाख मैच हो जाएगा। उसके ऊपर आपको 12% के हिसाब से पे आउट मिलेगा, बाकी का यहाँ पे कितना बचा, 50,000 बचा, ये वापस से कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये चीज़ अच्छी है इस प्लान में, ठीक है। उसके बाद आगे डिस्कस कर लेते हैं अगला इनकम कौन सा मिलता है। सबसे पहले बात, जैसे मैंने आपको इनकम बताया तो ये एक बार चार्ट आप देख लीजिए, आपको अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। ये चार्ट इस तरीके से है कि इसमें क्या है, ग्रुप बिजनेस वैल्यूम का जो बेस है उसके ऊपर रिपर्चेस इनकम आता है मंथली क्लोजिंग पे, ठीक है। और इस पे रैंक्स किस तरीके से दिए हैं यहाँ पे एक बार समझ लीजिए। टीम कोऑर्डिनेटर रैंक होता है जिसको यहाँ पे 2,50,000 मैच करना होता है, ठीक है, ये होता है कंपनी का फर्स्ट रैंक। उसके बाद नीचे देखिए एरिया टीम कोऑर्डिनेटर है, उसके बाद देखिए यहाँ पे स्टार सिल्वर है, उसके बाद देखिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट टीम कोऑर्डिनेटर होता है, यहाँ पे होता है जोनल टीम कोऑर्डिनेटर, यहाँ पे देखिए स्टार्स पर्ल है, उसके बाद स्टेट टीम कोऑर्डिनेटर एमरॉल्ड, रीजनल टीम कोऑर्डिनेटर, इस तरीके से ये जो ऑल रैंक है, ये रैंक का जो क्राइटेरिया है नीचे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट में आप साइड में देख सकते हैं कि इस तरीके से रैंक का जो क्राइटेरिया दिया गया है। अब आगे चलते हैं, अब और एक इनकम आपको मिलता है यहाँ पे रैंक इनकम, ठीक है। अब ये रैंक इनकम किस रैंक पर मिलता है, सबसे पहले तो आपको स्टार सिल्वर बनना पड़ेगा, या तो फिर आपको बनना पड़ेगा स्टार पर्ल, या तो फिर आपको बनना पड़ेगा एमरॉल्ड, गोल्ड, प्लैटिनम, डायमंड, रॉयल डायमंड, क्राउन एम्बेसडर, ठीक है, इसी रैंक पर आपको मिलता है रैंक इनकम, ठीक है। उसके बाद एमरॉल्ड पर, गोल्ड पर और प्लैटिनम पर और डायमंड पर आपको अलग से क्राइटेरिया दिया गया है। अगर आप मल्टीपल ब्रांचेस खोलते हो, यहाँ पे क्या है कि बाइनरी में भी इनकम आता है, जनरेशन में भी इनकम आता है। ये जो मैं आपको इनकम बता रहा हूँ ये मंथली आता है, पिछला जो इनकम मैंने आपको बताया था एसटीबी, ये वो आता है वीकली, ये आता है मंथली। अब देखिए मंथली किस तरीके से आता है कि आपको क्या करना होता है, आपको करना होता है एक चीज़, अगर आपको ये इनकम लेना है तो आपको काम करना होगा जनरेशन में, जनरेशन प्लान में। अब यहाँ पे क्या है कि दोनों प्लान है, हाइब्रिड प्लान है, बाइनरी प्लस जनरेशन प्लान, मतलब हाइब्रिड प्लान, दोनों चीज़ें इसमें कर सकते हैं आप, ठीक है। अब देखिए रैंक इनकम लेने के लिए आपको क्या करना होता है, फॉर एग्जाम्पल आप हो, आपके नीचे आप ORG1, ORG2, ORG3, ORG4, ऐसे मल्टीपल ब्रांचेस आप खोल सकते हो, कितने भी ब्रांचेस खोल सकते हो, क्योंकि ये जनरेशन प्लान भी है, बाइनरी प्लान भी है, ठीक है। लेकिन मैचिंग के लिए क्या होगा, ऐसा दो बीच में क्या होगा, यहाँ पे मैचिंग होगा, इधर का मैचिंग होगा, इधर का मैचिंग होगा, ठीक है। अगर आप दो लेग पर काम करते हो तो ये दोनों का मैच हो जाएगा इधर, ठीक है, मैचिंग तो होता रहेगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको इनकम दोनों तरफ से मिलता है। देखिए अगर आप थर्ड लेग पर काम चालू करते हो, ठीक है, जैसे आपने ORG1, ORG2 इस तरीके से लिया, आपने क्या किया कि ORG1, ORG2, ORG3,
ये तीन आपने यहाँ पे ब्रांच खोल लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2,50,000, 2,50,000, 2,50,000 बिजनेस वैल्यूम करना है। अब कैसा करना है, ये अगर एक लेग में भी 2,50,000 आता है तो भी चलेगा, ये नीचे एक लेग में भी 2,50,000 आए तो भी चलेगा, ये भी एक लेग में 2,50,000 आएगा तो भी चलेगा। अब बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन रहता है सर कि मेरा थर्ड लेग ओपन है और मैंने क्या किया है कि थर्ड लेग पर खुद का आईडी मैंने यहाँ पे लगाया है, ठीक है, खुद का आईडी या मिसेस का आईडी, फैमिली आईडी, और इसको मैंने क्या किया है, ऐसा दो इसके ब्रांचेस ओपन कर लिए। ऐसा होता है, बहुत सारे लीडर ने ऐसा किया है। तो हमें कितना करना पड़ेगा, तो आपको कितना करना पड़ेगा, यहाँ से 1,25 करो, यहाँ से 1,25 करो, तो भी आपका 2,50,000 बन जाएगा। अगर एक साइड में ही पावर आता है 2,50,000 का इस तरह से, फॉर एग्जांपल के तौर पे, अब देख लीजिए इन्होंने क्या किया, यहाँ पे दो ब्रांचेस खोल लिया लेकिन ये ब्रांचेस चालू नहीं है, और यहाँ से ही क्या हुआ, टोटल ये लेग से 2,50,000 आ गया, तो भी चलेगा, क्योंकि ये लेग में होना है, यहाँ से आए कोई कंडीशन नहीं है, खाली यहाँ पे मैचिंग नहीं होगा आपका, लेकिन ये ऊपर की आईडी पर आपको कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो तीन लेग पे जैसे आप स्टार सिल्वर बन जाते हो तो आपको ये इनकम आसानी से मिलता है। इसको थोड़ा सा क्राइटेरिया मेंटेन करना पड़ता है, जीबीवी शुड बी मिनिमम 5,000 जीबीवी, मतलब क्या है, कम से कम 5,000 बिजनेस वैल्यूम आपको करना है थर्ड लेग में, ठीक है। 10% उसका क्राइटेरिया होता है, आप जैसे आप अपने लीडर के साथ बैठ के उसका डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मिलता है आपको ओवरराइडिंग बोनस, ओवरराइडिंग बोनस मिलता है आपको मंथली, जैसे आपके नीचे स्टार सिल्वर, स्टार सिल्वर, स्टार सिल्वर, अगर थ्री बन जाते हैं एक ही लेग में, अगर तीन स्टार सिल्वर बन जाते हैं और खुद भी स्टार सिल्वर है तो आपको क्या मिलेगा उसका, अगर आप खुद भी स्टार सिल्वर है तो आपको मिलेगा उसका ओवरराइडिंग बोनस 10%, ये भी मिलता है आपको। आगे देखते हैं परफॉर्मेंस बोनस मिलता है, सबसे अच्छा इनकम माना जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग इसको अचीव करते हैं, थोड़ा सा क्राइटेरिया ज़रूर टफ है लेकिन अचीव करते हैं। देखिए परफॉर्मेंस बोनस है यहाँ पे 1.5% ग्लोबल अमाउंट, स्टेट टीम कोऑर्डिनेटर, रीजनल टीम कोऑर्डिनेटर, और इसमें बांटा जाता है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर को कितना बांटा जाता है, 1.5% ग्लोबल टर्नओवर का आपको बांटा जाता है, 35% अमाउंट अलग से निकाला जाता है और वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है डिस्ट्रीब्यूटर्स टू ZTC, ठीक है। उसके बाद देखिए स्टार परफॉर्मेंस बोनस मिलता है आपको, एमराल्ड पर मिलता है, गोल्ड पर मिलता है और प्लैटिनम पर मिलता है, तीन ही लेवल पर मिलता है। बहुत सारे लीडर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन करने के लिए बोलेंगे स्टार परफॉर्मेंस बोनस मिलता है, तो वो ओनली मिलता है कौन सा लेवल पर मिलता है, एक तो मिलता है एमराल्ड पे, एमराल्ड पे मिलता है, गोल्ड पे मिलता है और मिलता है प्लैटिनम पर, ठीक है। ये तीन ही रैंक को मिलता है स्टार परफॉर्मेंस बोनस, लेकिन परफॉर्मेंस बोनस आप कौन से भी लेवल पे ले सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर टू RTC परफॉर्मेंस बोनस आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। ये होगा परफॉर्मेंस बोनस, यहाँ पे क्राइटेरिया साइड में मैं दे रहा हूँ, आप एक बार चेक कीजिए। अगर डिस्ट्रीब्यूटर लेवल को करना है तो 1,00,000 बिजनेस वैल्यूम देना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद टीम कोऑर्डिनेटर को देना है तो आपको 2,00,000 देना पड़ता है, एरिया टीम कोऑर्डिनेटर को 3,00,000, डिस्ट्रिक्ट टीम कोऑर्डिनेटर है तो 3,75,000 मैचिंग करना होता है। उसके बाद ZTC पे अगर आप हो 4,50,000 बिजनेस वैल्यू मैचिंग करना पड़ता है, STC को आपको करना पड़ता है 5,50,000 और RTC को करना पड़ता है 6,50,000 बिजनेस वैल्यू मैचिंग, ठीक है। ये परफॉर्मेंस बोनस का क्राइटेरिया होगा। आगे चलते हैं, और एक इनकम आपको यहाँ पे मिलता है लॉयल्टी बोनस, और ये इनकम मुझे बहुत अच्छा लगा इस कंपनी में, ठीक है। बाकी तो मुझे इनकम थोड़े से टफ लगे क्योंकि बहुत सारे लोग उसको अचीव नहीं कर पाते क्योंकि बहुत सारा क्राइटेरिया थोड़ा सा बड़ा है उसका, लेकिन बहुत सारे लोग कर भी लेते हैं, ठीक है। अब देखिए लॉयल्टी बोनस आपको मिलता है यहाँ पे DTC एंड अबव, ठीक है। अगर आप टू लेग पे काम करते हो, कितना, अगर आप दो ही लेग पे काम करते हो तो आपको बनना पड़ता है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट टीम कोऑर्डिनेटर, तब आपको मिलता है ये इनकम, ठीक है। और अगर आप तीसरे लेग पे भी काम करते हो तो आपको कोई इशू नहीं है, आप स्टार सिल्वर से भी यहाँ पे ये इनकम ले सकते हो। अगर तीन लेग से करते हो तो आपको कितना करना है, तीन लेग से अगर करते हो तो आपको कितना करना पड़ता है, यहाँ पे करना पड़ता है 15,000 बीवी का रिपर्चेस। ये इनकम मिलता है रिपर्चेस बीवी पर, परचेस बीवी पर नहीं मिलता है। रिपर्चेस का मतलब क्या होता है, अगर आप 5,000 से आईडी को ग्रीन करते हो और उसके ऊपर जो भी परचेस करते हो, ठीक है, वो होता है रिपर्चेस, ठीक है। तो जो ग्रीन आईडी है उसके ऊपर किया जाने वाला परचेस को मिलता है रिपर्चेस, ठीक है, इसको कहते हैं रिपर्चेस। 15,000 ओवर जीवन,
15,000 ओवर जी टू, दोनों साइड में आपको क्या करना पड़ता है, मैच करना पड़ता है, और तीसरे लेग में आपको करना पड़ता है 7,500 बिजनेस वैल्यू। ठीक है, तीसरे करो या चौथा लेग ओपन करो, तीसरा चौथा एक ही होता है। ठीक है, ये आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद आपको मिलेगा 5,000 रुपया एक्स्ट्रा, ये मिलेगा आपको लॉयल्टी बोनस। ठीक है, अगर आप डीटीसी लेवल पे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, डीटीसी लेवल पे अगर आप बोनस लेना चाहते हो तो आपको यहाँ पे 20K, यहाँ पे 20K रीपर्चेस मैच करना है। थर्ड लेग तो आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये बोनस लेने के हो उसको आपको मिलेगा 5,000 रुपया। ठीक है, बाकी का यहाँ पे आप क्राइटेरिया देख सकते हैं, साइड में स्क्रीनशॉट मैं लगा दूंगा, आप यहाँ पर देख के कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आपको मिलता है रॉयल्टी इनकम, ये मुझे कुछ खास नहीं लगा क्योंकि ये मिलता है डायमंड लोगों को। ठीक है, जो भी डायमंड, रॉयल डायमंड, क्राउन एम्बेसडर लोगों को मिलता है तो ये इनको मिलता है। तो जब डायमंड बनेंगे तब तो रॉयल्टी इनकम मिलना ही मिलना है, तब तक तो हमको बाकी की इनकम समझना पड़ेगा। ये एक मिलता है आपको अवार्ड्स एंड रिवार्ड्स, अभी तक मेरे अनुसार तो मैंने तो किसी को नहीं देखा है, लेकिन हाँ हमारे एरिया में बहुत सारे एक दो तीन अवार्ड्स रिवार्ड्स मैंने देखा है जिनको अचीव करते वक्त, जो कि स्टार सिल्वर लेवल पे आपको क्या करना पड़ता है, अगर आप 10 वीक में, कितना 10 वीक मतलब 2.5 महीने में अगर आप स्टार सिल्वर बन जाते हो ज्वाइनिंग डेट्स के साथ। ठीक है, ज्वाइनिंग हो गए और उसके ज्वाइनिंग होने के बाद 10 वीक के अंदर आप स्टार सिल्वर बनते हो तो आपको मिलता है यहाँ पे 25,000 का लैपटॉप मिल सकता है या फंड मिल सकता है, या आप आपके अपलाइन के साथ बैठ के डिस्कस कर सकते हो। ठीक हो, उसके बाद ये स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे साइड में देख सकते हो, ये भी मैं लगा दूंगा, इसका ये क्राइटेरिया होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब सबसे पहले समझ लेते हैं रीपर्चेस कंडीशन क्या है। अब इनकम तो समझ लिए लेकिन कंडीशन क्या है, तो ये इनकम लेने के लिए सबसे बढ़िया तो कंडीशन यहाँ पे ये है कि डिस्ट्रीब्यूटर अगर आप हो शुरुआती दौर पे, अगर डिस्ट्रीब्यूटर हो, डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर टीसी, एटीसी, ठीक है, डीटीसी, उसके बाद ZTC एंड ESTC। ठीक है, अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर ZTC तक, डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर ZTC तक आपको ओनली 750 बिजनेस वैल्यूम का रिपर्चेस करना है। कितना? 750 बिजनेस वैल्यूम का रिपर्चेस करना है, मतलब 1,000 रुपीज़ का। 1,000 का अगर आप रिपर्चेस करोगे तो 750 बीवी आ जाएगा। ठीक है, अगर आप न्यू स्टार के लेते हो, न्यू स्टार आहार इसके अगर करते हो तो बिजनेस वैल्यूम थोड़ा कम आएगा, लेकिन कुछ भी करो 750 बीवी होना चाहिए। ठीक है, बीवी के ऊपर आप थोड़ा ध्यान दो क्योंकि इनकम तो बिजनेस वैल्यूम के ऊपर आने वाला है, कंडीशन बिजनेस वैल्यूम के ऊपर है, सारा खेल बिजनेस वैल्यूम पर है, तो कैश पर ध्यान मत दो, बिजनेस वैल्यूम के ऊपर ध्यान दो। ठीक है, अब यहाँ पे रिपर्चेस आना होता है। उसके बाद एसटीसी को यहाँ पे 1,500 रुपये का करना पड़ता है रिपर्चेस, तब जाके आपको 1,150 बीवी यहाँ पे लगते हैं, बाकी तो 1,125 बीवी आते हैं। ठीक है, उसके बाद बाकी अगर देखें तो RTC, NTC, उसके बाद थोड़ा सा क्राइटेरिया बढ़ जाता है, वो तो आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप RTC बन चुके तो आप ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये एक चीज़ हो जाता है लास्ट यहाँ पे समझ लेने की बात है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे नए लोगों को समझाना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा, एलिमेंट्स एंड ऑन एंड ऑन। ठीक है, एलिमेंट्स एंड ऑन एंड ऑन को परचेस करने के लिए, मतलब प्रोडक्ट परचेस करने के लिए आपको एक कंडीशन है, आपको कम से कम 500 रुपये का स्टार कूपन आपके ID पर एक्टिव करना होता है, उसके बाद आप एलिमेंट्स वेलनेस और ऑन एंड ऑन के प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद न्यू स्टार, उसके बाद आहार, उसके बाद बस EMI होम। ठीक है, ये तीन ब्रांड के अगर प्रोडक्ट आप लेते हो तो आपको 750 रुपये का कूपन ये एक्टिवेट करना होता है। ठीक है, क्या ID पर ये प्रोडक्ट आप परचेस कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, उसके बाद बिजनेस वैल्यूम की और एक बार बात कर लेते हैं। शुरुआती तौर पे हमने बिजनेस वैल्यूम समझ लिया है, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। G75 के जो भी प्रोडक्ट आप परचेस कर लेते हो और G35 के जो प्रोडक्ट आप परचेस कर लेते हो उसके ऊपर अलग अलग से बिजनेस वैल्यूम काउंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल G75 का अगर बिजनेस वैल्यूम देखें तो अगर आप 1,000 रुपये की परचेस करते हो तो आपको ओनली एंड ओनली 350 बिजनेस वैल्यूम मिलेगा।
अब आप बोलोगे सर बहुत कम मिल रहा है, तो उसके प्रोडक्ट के रेट भी कम है, इसकी वजह से बिजनेस वॉल्यूम कंपनी ने कम रखा है, ठीक है। उसके बाद G75 का अगर देखें तो उसके प्रोडक्ट के रेट थोड़े से हाई है, क्वालिटी भी हाई है, तो वो हिसाब से उसका बिजनेस वॉल्यूम जो है वो 750 बिजनेस वॉल्यूम रखा है। तो इसमें क्या है कि बिजनेस वॉल्यूम अलग अलग है। अब बिजनेस वॉल्यूम अलग अलग होने की वजह से होता क्या है कि नया डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, 10,000 रुपीज़ की परचेस कर लेता है एग्जाम्पल पे। अब 10,000 की परचेस करने के बाद क्या होता है कि वो एलिमेंट्स वेलनेस एंड ऑन एंड ऑन के प्रोडक्ट लेता है, लेकिन न्यू स्टार के, उसके बाद एमआई होम के वो भी प्रोडक्ट ले लेता है। उसमें होता क्या है कि आपको बिजनेस वॉल्यूम थोड़ा सा कम मिलता है। अगर वो 8,500 के कौन से ले रहा है, G75 के ले रहा है, और बाकी के ले रहा है 1,500 के प्रोडक्ट कौन से ले रहा है, तो वो ले रहा है G35 के, ठीक है। उसमें क्या होगा, इसका बिजनेस वॉल्यूम अलग आएगा, इसका बिजनेस वॉल्यूम अलग आएगा। तो आप बोलोगे सर आपने 10,000 के ऊपर तो 7,500 बिजनेस वॉल्यूम बताया, इतना तो बिजनेस वॉल्यूम नहीं आया, 6,500 के आसपास ही बिजनेस वॉल्यूम आ रहा है, तो आपका चेक भी ऑब्वियसली थोड़ा सा कम बनेगा। मैंने बताया आपको 900 रुपया, आपके अपलाइन में भी आपको 900 रुपये बताया हुआ। अगर सेमिनार में आप अगर गए हो, GTS में गए हो, तो आपको वहाँ पे 10,000 बिजनेस वॉल्यूम, 10,000 बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर 1,200 बताया होगा, तो वो बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर बताया है। अगर आप 10,000 बिजनेस वॉल्यूम और 10,000 बिजनेस वॉल्यूम मैचिंग करोगे तो आपको 1,200 ही आएगा अमाउंट। तो आप बोलोगे सर 1,200 तो नहीं आया, आपने बोला 900 भी नहीं आया। तो ये बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर आता है, तो इसकी वजह से आपको बिजनेस वॉल्यूम समझना थोड़ा सा जरूरी है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। अब देखिए बिजनेस प्लान के पूरे यहाँ पे क्राइटेरिया, साथ में टर्म एंड कंडीशन और पूरी चीज़ यहाँ पे मैंने समझा दी है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आपके और डिस्ट्रीब्यूटर को भेजो, आपके टीम में जो भी नए नए डिस्ट्रीब्यूटर बने हैं जिनको ये जानकारी नहीं है उनको ये जानकारी पहुँचाओ, ठीक है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको सेव कर लो, और आगे चलकर ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग रिलेटेड या बिजनेस प्लान के रिलेटेड जानकारी मैं आपको इस चैनल पर देता रहता हूँ। तो चैनल पर बने रहिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए, अदर वीडियोस के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।